हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो गाइस आज मैं क्या करने वाली हूँ या आपसे आज का ब्लॉग क्या शेयर करने वाली हूँ, तो गाइस आज मैं कहीं जाने वाली हूँ। कहाँ जाने वाली हूँ क्या मैं आपको बताती हूँ। मैं आज जाने लगी हूँ हमारे लोगों के घर। तो मैंने कहा कि थोड़ी जो घर में बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी क्योंकि केरल भी चली गई जॉब पे और मैं हो रही थी बहुत इंतहा से ज़्यादा बोर। तो मैंने कहा क्या करूँ, आज मैं व्लॉग क्या बनाऊँ। तो जो व्लॉग भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आज का डेली व्लॉग ही हम शेयर करते हैं। आजकल कोई खास बात नहीं हम करते क्योंकि आजकल खास की बारिश इतनी होती कि इंसान कुछ कर नहीं पाता, कहीं जा नहीं पाता। तो आज भाभी मारिया लोगों के घर मम्मा जा रही है तो काफी दिनों के बाद कम से कम महीना डेढ़ के बाद। तो वहाँ कौन कौन मिलता है ये आपको वीडियो में चल के पता लगेगा। हाँ। तो हमारे साथ मिलके बने रहिए हमारे साथ। और मम्मा भी जाने लगी है भाभी मारिया लोगों के घर, तो वहाँ जाके बताएगी कौन कौन मिलते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर के बाद। आ चुकी मेरी बहन और मुझे हो रही गुस्सा कि कभी बंदा खुद भी चक्कर लगा लेता है। बंदा तो टूटा फूटा नाम की बहन बनी हो, बाकी कोई फिकर नहीं है। कोई फिकर नहीं है। कभी पता लेने भी नहीं आई, कभी भी पता लेने नहीं आई। तो बहनों का पता कौन लेता है। बंदे रखने ना बाकी पानी लेते तो इधर है गाइस मारिया और सबा भी। तो कैसी है और आ जाएंगे मम्मा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। हाँ, तो उधर जाती से मेहंदी लेंदी तो लेंदी नहीं। मैं तेरे वाल नामा पे तेरे वाल हो के हमनी तो ग्रेट है ना, सारे तेरे वर्गे थोड़ी हो सकते ने। तेरे वर्गी हो ना मेरे नाल रही। सारे तेरे वर्गे नहीं भाई, एक की पीस इंसान एक की पैदा होता है, सेम उसकी कॉपी कोई दूसरा दुनिया पे नहीं। सेम कलर हो सकता है, सेम फेस मैच हो सकता है, लेकिन सेम आदतें मैच होना जरूरी नहीं है। हो जाना चाहिए नहीं ये। तो आज बहन मेरी मुझसे लड़ रही है, इसकी शिकायत, इसकी लड़ाई अपनी जगह पे। तो मारिया आप सुनाओ और सभा आप सुनाओ कैसी हो। मेरी कल तबीयत खराब थी लेकिन आज खुदा का शुक्र है चलो सही है। अच्छा, खुदावन सबको ठीक ही रखिए, खुश रखिए, ठीक। हाँ, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस आ चुकी मैं अपने घर पे और घर पे आ गई मैं मारिया लोग के घर से होकर। तो मैं घर पे आ गई और मैंने सोचा कि अब मैं घर पे आ गई, हो गया है खाने का टाइम, तो मुझे क्या पकाना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं इस सोच में थी कि मुझे क्या पकाना चाहिए, लेकिन किरण ने फरमाइश की थी कि मम्मा मैंने आज खानी है क्या कड़ी। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं बनाऊँ कड़ी, क्योंकि बारिश के हिसाब से कड़ी में होते हैं पकौड़े। पकौड़े क्रिस्पी भी लगते हैं, आप पकौड़े वैसे भी खा सकते हैं, साथ में पकाते भी हैं, साथ में पकौड़े खाते भी हैं। और जब मैं पकौड़े बनाऊँगी तो ये बार बार ही आके सारे की दो दो पकौड़े उठा के। ये तो आपको पता है आदत होती है, जब भी पकौड़े बने हर घर की आदत है कि एक एक आके खाते जाते हैं। तो ये लोग खाते रहेंगे पकौड़े, खास बनाती रहूँगी कड़ी, क्योंकि ज़्यादा लोगों को पकौड़े पसंद है कड़ी से ज़्यादा। और ख़ास में जो ऐसा मौसम हो पकौड़े आलू वाले पराठे ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त है। तीन बारिश के बचाओ मुझे बाजार से खुद भी मुझे बहुत पसंद है। अब तो इतना स्पाइसी खाया नहीं जाता सीरियसली, अब या तो एज डिमांड है या वैसे ही मैदा इतना कमज़ोर हो गया इसकी ऐसे इतना मिर्चे स्पाइसी इतना खाया नहीं था। नहीं तो हम जब पकौड़े बनाए तो इसके साथ चटनी बड़ी ज़बरदस्त बनाते थे मिर्चे तेज़ वाली, लेकिन अब नहीं खाई जाती चटनी भी और पकौड़ी ही खाई जाती है। तो गाइस मैं जा रही हूँ किचन की तरफ, तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिएगा और किरण की फरमाइश बनाने लगी है। किरण कभी खाती नहीं है पर आज किरण ने फरमाइश की तो मम्मा बना रही है कड़ी। कड़ी बना रही और ये देख रही होंगी आपने अक्सर पकौड़े में कड़ी आलू खाए होंगे, लेकिन आलू इस तरह की शेप में कटे हुए बिल्कुल नहीं खाए होंगे। तो आज मैं आपको कुछ नया अंदाज से कड़ी बनाना सिखा रही हूँ। तो ये तो मैंने आलू यहाँ पर देख सकते हैं आप, मौसम जो है ना वो बारिश का हो रहा है ये देखें, और बारिश हो भी रही है और मैंने अभी निकलना है जॉब पे। तो कड़ी बनेगी तो खा लेंगे, नहीं तो रात को आकर 3 बजे हमें खाने को मिलेगी। तो मैं आपसे थोड़ी देर मैं बना चुकी है पकोड़े और ये अब क्या कर रही हूँ। ये अब बना रही कड़ी के लिए मसाला, कड़ी के लिए मसाला। मतलब मम्मा हम सबका टेस्ट खराब करने लगी। हम क्यों टेस्ट क्यों खराब कर, क्योंकि कड़ी मुझे कभी नहीं पसंद। आई हेट कड़ी, मैं खाऊंगा पकोड़े। तो गाइस ये मैंने एक उठा लिया और खाते हैं।
पकौड़े तो अच्छे हैं। तो यहाँ मम्मा अपने हाथों से पापा को भी दे रही। तो भाजी बचाए कैसे? समाजी दिखाते थोड़ी देर के बाद रेडी। और मैं आप निकालने लगी हूँ कड़ी, तो हम खाएंगे। मैं थोड़ी सी निकालूंगी क्योंकि आपको पता है इतनी कड़ी मुझसे खाई ही जाए। देख सकते हैं कितनी घी वाली और कितनी मजे। हाँ, यमी ऑयली सी, ज़्यादा यमी नहीं, ज़्यादा मैंने मिर्च मसाले वाली नहीं रखी, तो आपको पता है ज़्यादा मिर्च मसाले वाली हो तो मैदा वैसे ही अपसेट हो जाता है। तो अब हम खाएंगे कड़ी और खा के मैं आपको बताऊँगी कड़ी कैसी बनी है, अच्छी बनी है, नहीं बनी है। वैसे पकाने वाले को अपनी बनाई हुई चीज़ वैसी अच्छी लगती है, लेकिन हर चीज़ की एक हर चीज़ का अपना टेस्ट होता है और कड़ी का एक अपना डिफरेंट सा टेस्ट है। तो मैं भी यहाँ मम्मा के साथ साथ कैमरा मैन भी बैठ चुका। तो ये देखिए गाइस, रोटी तो मैं बना चुकी थी, ये शायद इन लोगों ने खाया है, तो अब ये खाएंगे हम कड़ी। ये और आप एक बात नोट कीजिएगा, शायद आप लोग कड़ी के दौरान मैं आपको बताऊँगी, तो ये ना ज़्यादा मिर्च तेज है, नॉर्मल मिर्च है। हम मिर्चे इसलिए भी तेज नहीं रखते, हमारे घर में एक है जब कौन चाइनीज लड़की है, वो मिर्चे तेज हो तो मुश्किल, चीनी तेज हो तो मुश्किल, उसने बड़ी मुश्किल पैदा होना हमारे लिए मुश्किल है। नहीं, ये बात है। अच्छा दूसरी वजह आपने उससे कड़ी खाई होगी, तो उसमें पकौड़े सादे बनाए जाते हैं, लेकिन मैंने इसमें डाले हैं आलू, ऐसे जैसे चिप्स की तरह काटे जाते हैं। तो हट कर दिखाओ। तो गैस ये देखिए, मैंने गैस को दिखाया था, ये देखिए, ये आ गई, ये देखिए, ये चिप्स की तरह। ये देख, ये और आलू गल भी गए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।